बायस इंटर कॉलेज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 11, 12 और 13 है। देखो बेटा सब में वही करना है, निम्नलिखित का समाकलन ज्ञात करना है निरीक्षण विधि द्वारा, ठीक है। देखो पहले में इसमें क्या कर लेंगे, एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x² बटे x² माइनस 4x² अलग अलग कर लिया सबका बटे dx। देखो यहाँ पे x की पावर 3 है, 3 माइनस 2 x बच गया, इससे कट गया 5 माइनस 4। देखो x की पावर 2 है, ऊपर जाके कैसी हो जाएगी माइनस, ये आ गया dx। अब इसको अलग अलग लिख लिया, देखो x dx 5 बार 1 dx 4 बार x की पावर माइनस 2 dx। देखो एक सूत्र लिखवाया था x की पावर n का, क्या सूत्र है, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, यहाँ पे घात कितनी है 1, ये आ जाएगा x स्क्वायर बटे 2 प्लस 5, 1 का क्या हो जाएगा x माइनस 4 गुणा x की घात माइनस 1 बटे माइनस 1 प्लस c, ठीक है। ये आ गया x स्क्वायर बटे 2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस 4x की घात माइनस 1 प्लस c आंसर। देखो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, अलग अलग करके लिख लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 13 क्वेश्चन की। देखो इसमें यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो एक्स माइनस वन बच गया, इधर से प्लस वन आ सकता है एक्स माइनस वन बटे एक्स माइनस वन डी एक्स माइनस वन कॉमन आ गया, बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स माइनस वन डी एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कट गया एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वन डी एक्स, अलग अलग करके लिख लिया इसको एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वन डी एक्स। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स की घात 3 बटे 3 और 1 का एक्स प्लस सी,